सर सर मुंबई जाने का रास्ता सीधा सीधा ये रास्ता। तो ये क्या जा रहा है गाइस आगे आगे इतना धूल रास्ता गायब। मैं पहुंच गया गुजरात, देखो गुजरात पुलिस चेक पोस्ट। कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नेपाल से कौन कौन कंट्री जाना है? अबे पूरा वर्ल्ड सब कंट्री घूमना है विदाउट मनी। हाँ कितना बड़ा शहर में आ गया। हेलो दीदी देखो हेलो बोल रहे हैं। जिसको बोलते हैं थकित अवस्था, ना चल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, पूरे ऐसे लेटा हुआ हूँ, ऐसा हो चुका है कंडीशन। भैया दे रहे हैं मुझे नेपाल का 100। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है राजस्थान से और ये मेरा आखिरी व्लॉग है राजस्थान में। अभी यहाँ से गाइस मैं बॉर्डर पार करने वाला हूँ, 1 किलोमीटर के बाद गाइस गुजरात शुरू हो जाएगा। तो कल रात मैं इधर ही सोया था, देख सकते हो साइकिल पूरा पंचर था। तो सुबह सुबह गाइस मैंने बना तो दिया पर ये ज्यादा टिकेगा नहीं। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, हाँ इसको भी मिस करेंगे क्योंकि गाइस कल रात मैं यहाँ पर सोया था। भैया लोग तो गाइस घर पे चले गए, रात भर ड्यूटी और दिन भर सोना। यहाँ से गाइस मेरा जर्नी शुरू हो चुका है, देखना पड़ेगा हवा थोड़ा आगे जाके डालूंगा नहीं तो फिर से पंचर हो जाएगा। हर हर महादेव, महादेव का नाम लो और चलो देखेंगे गाइस आज मैं कहाँ तक पहुँच पाएगा कुछ भी नहीं पता। यहीं पर था हाईवे, अब सीधे सीधे जाऊँगा नॉन स्टॉप। यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद गाइस गुजरात मतलब शुरू हो जाएगा। ओहो बिक्रे जी फुल एनर्जी के साथ। कल मेरा साइकिल पंचर नहीं होता ना तो मैं शायद लगभग गुजरात पहुँच जाता। कल ही मैं पहुँच गया गुजरात, देखो गुजरात पुलिस चेक पोस्ट। तो यहाँ से उधर गुजरात है, तो दोबारा मौका मिले तो फिर से आएंगे गाइस राजस्थान में। गुजरात पुलिस हेलो सर। अरे 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 हेलो सर। नेपाल गाइस यहाँ पर चेक पोस्ट है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम आया था राजस्थान और इतना प्यार मिला, फिर से दोबारा मौका मिले तो आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मेरा साइकिल इस टाइम इतना जल्दी जल्दी खराब हो रहा है, पंचर हो रहा है क्योंकि गाइस इतना महीने से बेचारा को मैं चला ही रहा हूँ, इसको सर्विस नहीं किया तो इसको सर्विस की सख्त जरूरत है। बेचारा को क्या ही कर सकता हूँ अब। मैं ये क्या देख रहा हूँ, पूरा हरियाली चारों ओर गाइस, मजा आ गए यार ये देख के। हिमाचल जैसा है, नेपाल जैसा है गाइस गुजरात। तो यहाँ पर बैम्बो भी दिखाई दे रहा है गाइस, बैम्बो मिलते हैं। ओहो ठंडी ठंडी जगह में ये देखो गाइस बैम्बो, मजा आ गया यार सच में। गाइस थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के पानी पीऊंगा, बहुत गर्म है और इतना धूप में साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। मजा आ गया। तो ये क्या जा रहा है गाइस आगे आगे, इतना धूल रास्ता गायब। ओहो पूरा नाव में घुस गया। अगर यहाँ पर पिच नहीं होता तो कितना भयंकर धूल होता गाइस आप देख ही सकते हो। अच्छा है गाइस यहाँ पर रोड काफी बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पर तो गाइस पूरा विलेज एरिया है, ऊपर से हाईवे नीचे से ट्रेन और वहाँ पर देखो भाई पूरा खेती होता है, गाय पूरा चल रहा है। मजा आ गया ये नज़ारा देख के, आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइज इंडिया में ऐसी नज़ारा देख रहा हूँ। पर मुझे कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा मैं कंफ्यूज हो गया, शायद सीधा सीधा जाना होगा। देखो पूरा हरियाली पूरा खेत, ओहो ये होता है गाइज विलेज एरिया, कितना शांति है यहाँ पर। शोर शोर अभी भी नहीं है, चिड़िया के आवाज सुनो, चारों हरियाली गाय भैंस, मजा आ गया यार सच में। गुजरात में फर्स्ट टाइम इतना मजा आया, इतना ज्यादा धूप है, पानी खत्म हो गया, यहाँ पर मांग लेता हूँ ठीक है पानी। भैया जी हाँ। पीने के लिए पानी है, है मुझे थोड़ा बत्तल में दीजिए ना। अच्छा इसमें डाल दो, बहुत गर्मी है गुजरात में। इस मुझे मिल गया पानी तो आपको ऐसे पीना पड़ेगा।
पूरा भूल लेता हूँ गाइस। मजा आ गया, इसको भी पूरा बोल लेंगे। थैंक यू भैया जी, सीधे सीधे निकलता हूँ इतना ज्यादा दूर पे। क्या हो गया, गिर गए कहाँ पर? ओहो पूरा पैंट फट गया। हाँ बाइक किधर जा रहे हो? इधर संभाल के जाना चाहिए था। हाँ तुमको हाईवे में संभाल के जाना है। ये क्या हो गया, चोट लगा कहीं पर? ओहो इतना ज्यादा, हाँ पूरा छिल गया। हेलो तुम कहाँ पर निकाल देना इसको, तुमको संभाल के चलाना चाहिए था यार। इसका सेल्फ नहीं है, तुम्हारा स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो गाइस ऐसे इसको धक्का लगा के लेकर जाना पड़ेगा हाईवे में। कहाँ गया यार गाड़ी भी टच। थोड़ा आगे थोड़ा, आप कैसे जाओगे? आहा पता नहीं गिर गया बाइक में, बाइक से गिर गए। हाँ आपके बाइक ऐसे कैसे गिर गए? नहीं नहीं तो? उसका बाइक है वो गिर गया, मैं तो जा रहा था तो हेल्प किया। हाँ मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, उतना दर्द हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी ट्रैवल में हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई जा रहे? हाँ बेचारा सीरियस अवस्था में देख लिया तो हेल्प किया। ऐसी जगह में भी सिर्फ खाते हो आप लोग, थोड़ा संभाल के। हाईवे में आपको संभाल के जाना होगा, हाईवे में गाइस आपको संभाल के जाना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट होते रहता है। ये भैया का पेड़ इतना छिल गया मैं देख भी नहीं सकता। एम्बुलेंस आ रहा है भैया के लेने के लिए, वो भैया लोग ने कॉल करके बोल दिया था एम्बुलेंस भेजो, तो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में था। एक साइड में बेचारा रोड के साइड में खड़ा हुआ था। इतना गाड़ी जाता है गाइस, इतना बाइक जाता है, किसी ने नहीं पूछा। मैंने जितना हो सका उतना हेल्प किया, बाकी उन भाई लोग ने हेल्प किया जो दो भैया आए थे, उन लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह बुला दिया। ये देख सकते हो टोल गेट, मुझे यहीं से जाना होगा सीधे सीधे। किधर से जाना होगा? टोल गेट में गाइस टैक्स उठाते हैं, पर यहाँ देखो टोल गेट में हालत, मेरे सामने से ये क्या आ रहा है गाइस इतना बड़ा। ओह बॉय क्या है ये, पता नहीं आप लोगों को पता है गाइस इसको बोलते हैं थकित अवस्था, ना चल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, पूरे से लेटा हुआ हूँ। ये देखो साइकिल यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐसा हो गया गाइस, ऐसा हो चुका है कंडीशन, इतना थक चुका हूँ क्या बताऊँ। बाबा रे बाबा बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। अभी मैं इतना ही सोच रहा हूँ नहाने के लिए मिल जाए और शांति वाला एक कमरा मिल जाए, मस्त सोना चाहता हूँ, कुछ भी करना नहीं चाहता। सच बताओ तो गाइस ये देखो हाईवे है इधर और यहाँ पर मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। अब तो सर दुखने लगा। यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं पूरी तरह से जाम में फंस गया। आज गाइस मैं इतना थक चुका हूँ ना क्या बताऊँ, रेस्ट करते करते हालत पतली, और मेरा गोप्रो का जो बैटरी है ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। देख सकते हो मेरा समथिंग यहाँ पर है 28% चार्ज, मेरा गोप्रो में 28% ही है, तो कितना टिकेगा पता नहीं।
आगे देख सकते हो इतना भयंकर जाम है, आधा घंटा से लगा हुआ है जाम। और अभी देखेंगे गाइज आज मैं कहाँ तक पहुँच पाएगा। शायद मैं गाइज अहमदाबाद सिटी में नहीं जाऊँगा, वहाँ से थोड़ा 15 किलोमीटर आगे से गाइज बाईपास से जाना होगा मुंबई के लिए सीधा हाईवे पकड़ के। तो मैं शायद अहमदाबाद नहीं आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा और एक्सप्लोर भी करूँगा अहमदाबाद। अभी गाइज मैं सीधे सीधे मुंबई जा रहा हूँ। और अभी तक देखो भाई धूप इतना भयंकर है, क्या बताऊँ। चलो अभी निकलते हैं, अगर टाइम मिला तो गोप्रो को भी चार्ज कर लूंगा कहीं पर बैठ के। आंटी मुंबई जाने का रास्ता ये है सीधा? मुंबई जाना? हाँ सीधा। वो ऊपर वाला ब्रिज या नीचे वाला? यहाँ से सीधे ऊपर वाला ब्रिज ही चढ़ने का है, यहाँ से कम आपको जाने का है ना तो तीसरे ब्रिज से एक्सप्रेस हाईवे से आप मुड़ जाना अंदर। हाँ। एक्सप्रेस हाईवे धीरे धीरे वहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, देखो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा बड़ा सिटी है यार, माहौल है, मजा आ गया है देख के। और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किधर से जाना, ऊपर से या नीचे से। चलो कोई बात नहीं गाइस, नीचे से जाएंगे सीधा सीधा। भैया मुंबई जाने का हाईवे पता है? मुंबई जाने का हाईवे, मुंबई जाने का हाईवे सीधा। भैया मुंबई जाने का हाईवे, मुंबई जाने का हाईवे सीधा जाना पड़ेगा, यही हाईवे एक्सप्रेस। अच्छा थैंक यू गाइस, कंफर्म करने के लिए दो बार पूछना जरूरी है, नहीं तो आप रास्ता भटकोगे। ऊपर से जाते तो भाई यहाँ पर भीड़, ऊपर से जाते तो उतना भीड़ नहीं होता, ट्रैफिक भी नहीं होता, नीचे से थोड़ा भीड़ होता है। मैं कितना बड़ा शहर में आ गया। हेलो दीदी देखो हेलो बोल रहे हैं। ओ भाई मजा आ गया। यहाँ पर तो गाइस तीन तीन रास्ता है, किससे पूछूं? ओ मुंबई जाने का रास्ता किसी से पूछना पड़ेगा। मुंबई जाने का रास्ता, मुंबई जाने का मुंबई सीधा ये गाइस सीधा जाना होगा मुझे मुंबई के लिए। इतना भीड़ क्यों होते हैं? हाँ लोग तो गाइस घुट घुट के देख रहे हैं मुझे। भाई ये है अट्रैक्शन, आया लग गया। काफी स्वीट रास्ता है। सर सर मुंबई जाने का रास्ता सीधा? हाँ सीधा ये रास्ता। अच्छा थैंक यू सो मच। मुंबई हाँ साइकिल से अभी आएगा? अभी मैं राजस्थान होके आया, उधमपुर। हाँ जयपुर उधमपुर मतलब मुंबई में किसी से मिलना है, ये रास्ता सीधा। भारत यात्री? हाँ भारत यात्री सर। कहाँ से? मैं नेपाल से। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। थक जाता हूँ ना सर, हालत पतली हो जाता है। अभी बहुत सारा कंट्री जाना है। रुको मुझे जाने दो। कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नेपाल से अभी कौन कौन कंट्री जाना है? अभी पूरा वर्ल्ड सब कंट्री घूमना है विदाउट मनी। हाँ ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ओहो गाइस काफी अच्छे सर मिले थे, ऐसा ही होना चाहिए ट्रैफिक। ओहो भयंकर ट्रैफिक सर गाइज, अहमदाबाद में आकर भयंकर ट्रैफिक सर्विस देखने को मिला। फाइनली गाइज मुंबई जाने का रास्ता मिल गया, ये देखो 520 किलोमीटर मुंबई। भाई मैं कितना करीब हूँ वो बता नहीं सकता यार, आज का खुशी। आज पता नहीं कहाँ पर रुकना कहाँ पर रहना कुछ भी नहीं पता, पर मैं बहुत खुश हूँ गाइज।
तीन बार राइड करके पूरा थक चुका हूँ और अहमदाबाद से थोड़ा आगे आ चुका हूँ हाईवे में। और यहाँ राइड कर रहा था तो गाइस यहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा मंदिर देगा, तो शायद आज मैं इधर ही रुकूंगा। कुछ भी पता नहीं है गाइस यहाँ पर रुकने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर इतना बड़ा हाईवे में मुझे यही मंदिर सबसे बड़ा देगा। आगे भी होगा पर आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं गाइस, अभी नीचे जाके पूछेंगे। ठीक है, ऐसा घूम के जाना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो मंदिर, आप लोगों को पता है गाइस दीपावली आने वाला है कुछ ही दिन में, और हाईवे में इतना सुंदर सुंदर घरों को सजा के देखा ना भाई, मेरी घर के याद आ गया सब। देखो गाइस मेरा साइकिल, नीचे जा रहा हूँ मंदिर की ओर और वहाँ नीचे से लोग बुला रहे हैं आजो आजो घूम घूम के। फिलहाल गाइस मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर से आ गया ना भाई, मैं आ रहा हूँ थोड़ा संभाल के आना गए आप लोग ऑटो वाला ड्राइवर वाला। इधर तो खूब दीपावली मन रहा है गाइस, पटेखा बड़ा बड़ा फोड़ रहे मेरे कानों के सामने। आज मैं यहीं पर रुकूंगा इसी मंदिर में, स्वामीनारायण मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा भी है। तो गाइस आपको नजर अभी दिखाऊंगा, ठीक है, फिर ले सामान रख लेता हूँ और फ्रेश भी होना है। आज का मेरा रुकने की जगह ये लोग लेकर जा रहा है मुझे, तो गाइस देख सकते हो इतना बड़ा हॉल है, तो आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ का व्यवस्था है। हाँ ये देखो ये बेड है। हाँ जी भाई इतना अच्छा है, देख सकते हो बेड है और सोने के लिए और पंखे भी है, पंखे भी है गाइस देखो ऊपर। आज मैं इधर ही रेस्ट करेगा और सुबह सुबह निकलेगा, अभी फ्रेश होके गाइस आप लोगों को मंदिर देखूंगा, बहुत अच्छा है मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। नहीं देख करके पूरा फ्रेश हो गया और देख सकते हो मेरे सामने बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर का नाम है स्वामीनारायण। और ये देखो भाई इतना सुंदर मंदिर है, अभी जाएंगे दर्शन करेंगे और यहाँ पर खाना पीना सोना सब कुछ का व्यवस्था है। तो देख सकते हो गाइस इतना स्ट्रगल के बाद आज अच्छे से खाना और सोने के लिए व्यवस्था मिला। कल रात तो भाई मेरा बुरा हालत हो गया था, क्या बताओ गाइस। ये देख सकते हो इतना सुंदर मंदिर है यार, पहले गाइस ऊपर दर्शन करने जाऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। देखो मंदिर में पूरा खाना भी मिल रहा है, मतलब सारी व्यवस्था है इस मंदिर में। तो देख सकते हो ये रोटी है, हो गया बस रोटी, हाँ पूरी। आज 11 से ना एकादशी है, आज 11 से आज। अच्छा अच्छा, 11 में उपवास रखते हैं सब लोग, थोड़ा कम उपवास का खाना है आपका, इतना ज्यादा तो खाना ही पड़ेगा। आलू की सब्जी गाइस देखो इतना सारा वेराइटीज है, थैंक यू सो मच। देख सकते हो आज का खाना, ट्रैवलिंग में बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। कल तो पता है गाइस सुबह से रात तक कुछ भी नहीं खाया था और आज देखो रात को कितना वेराइटीज है। और यहाँ पर भाई काफी अच्छे अच्छे लोग है गुजरात में, मंदिर भी बहुत बड़ा बड़ा है, अभी खाएंगे रेस्ट करेंगे। अभी एक भैया मिला है और भैया के पास अभी नेपाल का नोट है, ठीक है, और मुझे दे रहे हैं। आपको पता है ये कितना है? 100 रुपीज़। और किसने दिया था आपको? मैं नेपाल घूमने आया था तभी वहाँ से दिया। अभी मैंने बोला ये मुझे नहीं चाहिए, आप रखो, एक क्या बोलते छीनो रिमेम्बर होगा, और मेरे पास बहुत है बोल रहे है। तो देख सकते हो भैया दे रहे है मुझे नेपाल का 100 रुपीज, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? जितेंद्र चौधरी। तो गाइस गुजरात में काफी अच्छे अच्छे लोग मिले, और देखो भाई 100 रुपीज इंडिया के 60 रुपीज होता है, ठीक है, तो इसको मैं संभाल के रखूंगा, भैया ने दे दिया इतना प्यार से, तो मुझे भी इसको यूज नहीं करना है, संभाल के रखना है। थैंक यू सो मच भैया, अभी रेस्ट करेंगे, मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, तो डू सब्सक्राइब अगर नए हो तो बता देना भैया, क्या करना है, डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।